नमस्कार, मैं मीना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साईं चरित का अध्याय पढ़ने से जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं और साईं भगवान ही है जिन्होंने किस सृष्टि का निर्माण किया है। इस विश्व में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, यदि इनको कोई संचालित करता है तो वह है मेरे साईंनाथ। सभी भक्तों की पुकार सुनकर वे दौड़े दौड़े चले आते हैं, किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। तो क्यों ना हम साईं चरित के एक एक अध्याय को प्रतिदिन पढ़ें। आज हम साईं चरित का अध्याय 24 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि विगत जन्म के कर्म फल, संतों द्वारा लोक शिक्षा, वी एस ठाकुर का मार्ग निर्देशन, घोड़ी की लीत के 9 गोलों का रहस्य, पंडरपुर के वकील को शिक्षा। विगत जन्म के कर्म फल। कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह एक समान सा नियम है कि विगत जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हेमाड पंत अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे और मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उन्होंने दर्शन अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर पुजारी ने हेमाड पंत से भी उनके दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें कि ऐसा अवसर सुलभ हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य काफ़ी समय से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेक संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार भी परस्पर पूर्ति भी करते हैं। वी एस ठाकुर का मार्ग निर्देशन। वी एस ठाकुर रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए फेल गांव के समीप बड़ गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो कि वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा वह कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उसका स्थानांतरण जुन्नर में हो गया, जहाँ नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में बड़ा ही कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी करके घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टप्रद प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चांदूरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ नहीं जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहेब का साथ न देने का पछतावा हुआ। फिर वे सीढ़ी पहुँचे, तब वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना करके अत्यंत ही हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आँखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं है जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है।
जब श्री ठाकुर ने शारगर्भित शब्द सुने जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उन्हें हर्ष का पारावा न रहा और उन्हें कानाड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले कि जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। घोड़ी की लीद के 9 गोलों का रहस्य। एक बार एक सौदागर आया, उसके सामने ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। वहाँ मौजूद पुणे के अनंत राव पाणकर बाबा के इस रहस्यपूर्ण बात को ना समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने को प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं कुछ समझ सका हूँ। वह तुमसे कहता हूँ, घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित बोले हैं नवधा भक्ति या यथा। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, नामिश्रण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, शख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता के कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घट में प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, एकाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की, अपने को भी उसी सौदागर के समान जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति मिलेगी। अगले दिन जब श्री पाणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी, जिसे सुनकर श्री पाणकर को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। पंडरकर के वकील को शिक्षा। एक बार पंडरपुर में एक वकील शिरडी आए, उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट करके एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा को उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं परंतु पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना, यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें वह पगड़ी पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। बाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया है वह मेरी ही ओर लक्ष्य करके कहा गया था। यह सत्य है, यह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज हमने आपको साईं चरित का अध्याय 24 बतलाया है। अगले एपिसोड में हम आपको अध्याय 25 बतलाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।